प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें आपको टोटल 5 ट्रांजेक्शन दी हुई है. नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000. इसमें बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो कैश और गुड्स दोनों लगाकर स्टार्ट हुआ है. परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000. गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 55,000. विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 10,000 एंड लास्ट वन रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 2,000. अब बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद कैश और गुड्स दोनों लगाकर. जब बिजनेस स्टार्ट होता है जिस जिस चीज़ को आपने लगाया पहले उसको आप कॉलम में ऐड कर दो. आपने एसेट में क्या लगाया? कैश लगाया. सॉरी यहाँ आएगा. एसेट्स में क्या लगाया? कैश और गुड्स. गुड्स मतलब स्टॉक. कैश कितना लगाया? 50,000 का. और स्टॉक कितना लगाया? 30,000 का. आपने दो चीज़ें लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया. जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश लगाकर या गुड्स, तो उसका जो टोटल होगा वो क्या होगा? आपका कैपिटल होगा. तो इसलिए कैपिटल वाले कॉलम में जाके टोटल कैपिटल आपकी कितनी हो गई जो बिजनेस स्टार्ट किया? 80,000 रुपीज़ की. नेक्स्ट इक्वेशन, गुड्स परचेज इन कैश रुपीज़ 30,000 एंड क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000. आपने गुड्स परचेज करी हैं तो दैट मीन्स बिजनेस में आपके गुड्स स्टॉक आ रहा है. जब बिजनेस में स्टॉक आएगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऐड कर देंगे टोटल स्टॉक. टोटल स्टॉक कितना आया आपका? 50,000 का. 50,000 में से 30,000 तो कैश आपने पे कर दिया, तो 30,000 का क्या होगा? कैश माइनस कर दोगे आप, क्योंकि 30,000 तो कैश में खरीदा है. और जो 20,000 का आपने कैश पे नहीं करा, गुड्स जब परचेज करते हैं क्रेडिट में तो वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है. तो आप लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का क्या करोगे? कॉलम बना दोगे. कितने क्रेडिटर्स हो गए? 20,000. कैपिटल में कोई डेल नहीं है तो जीरो लगा देंगे. न्यू इक्वेशन निकल के आएगी. कैश का जो बैलेंस आ जाएगा वो कितना रह गया? 20. स्टॉक हो गया 80 और क्रेडिटर्स हैं 20,000 और कैपिटल है 80,000. देखो इधर टोटल 1 लाख पड़ रहा है और इधर भी 1 लाख. कभी भी किसी भी जब न्यू इक्वेशन बनाते हो टोटल चेक कर सकते हो. नेक्स्ट इक्वेशन है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000 वर सोल्ड रुपीज़ 55,000. अब देखो जब गुड्स परचेज करी थी तो हमने स्टॉक में ऐड कर दिया. अब जब गुड्स सेल करेंगे तो स्टॉक में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. और स्टॉक में जब माइनस करेंगे हमेशा क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट प्राइस. क्या माइनस करोगे? कॉस्ट प्राइस. जितने में आपने बेची वो माइनस नहीं करते हैं. 40,000 की गुड्स सेल करी और कितने में सेल करी? 55,000 की. अब यहाँ पर आपको कोई नाम नहीं दिया, ना ही बोला है कैश में. जब आपको कुछ भी मेंशन नहीं होता तो आप ये अज्यूम कर लेते हो कि आपके पास कैश में सेल हुई है. तो कैश कितना आ गया? 55,000 का. अब 40, जब भी आप सेल करते हो तो उसमें आपका प्रॉफिट या फिर लॉस निकल के आता है. 40,000 की चीज़ आपने कितने में सेल आउट करी है? 55,000 में. तो आपने ज़्यादा में सेल करी तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया. तो प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में जाके प्लस हो जाता है. इसमें कुछ भी डील नहीं हुई थी. अब न्यू इक्वेशन में आपका जो टोटल आ गया वो 75,000 का कैश हो गया, 40,000 का आपका स्टॉक रखा हुआ है, 20,000 की अभी भी लाइबिलिटी चल रही है और कैपिटल जो हो गई वो 95 की पहुंच गई. नेक्स्ट इक्वेशन, विड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज़. अब आपने क्या किया? कैश विड्रॉ किया. और किसके लिए यूज़ किया आपने? पर्सनल यूज़ के लिए. पर्सनल यूज़ हमेशा क्या होता है? ड्राइंग्स होती है. और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कैपिटल में से इसको ड्राइंग्स को माइनस कर दो. अब आपने क्या विड्रॉ किया? कैश. तो क्या हो जाएगा? कैश भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में से ओनर ने क्या किया? कैश को निकाल लिया. बाकियों में किसी में कोई डील नहीं है तो जीरो लगा दो. फिर से न्यू इक्वेशन आएगी. आपका जो कैश बैलेंस है 65, स्टॉक 40,000, क्रेडिटर्स है 20,000 और जो कैपिटल है वो कम हो गई है 85,000 की. लास्ट इक्वेशन, रेंट आउटस्टैंडिंग. रेंट क्या है आपके लिए? एक्सपेंसेस है. बट उसके साथ एक वर्ड लगा दिया, आउटस्टैंडिंग है. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने अभी पे नहीं किया है, पे करना बाकी है. जब पे करना कोई बाकी होती है चीज़ तो वो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी होती है. यहाँ पर आप क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बना दोगे. क्यों? क्योंकि वो क्या है? लाइबिलिटी है. जैसे हमने क्रेडिटर्स का
को भी पे नहीं किया था ना, हमने गुड्स परचेज की थी, तो इसका कॉलम बना दिया। ऐसे ही एक आउटस्टैंडिंग रेंट का एक कॉलम बना दोगे क्योंकि आपने अभी उसको पे नहीं किया, तो यहाँ पर 2000 रुपीस ऐड हो जाएंगे इस वाले कॉलम में। अब रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है। आपने पे तो किया नहीं है कि हम कैश में से माइनस कर दें, एक्सपेंसेस है तो वो क्या होगा, कैपिटल में जाके माइनस हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं होता, जीरो लगा दोगे, इसमें भी कुछ नहीं, जीरो। अब लास्ट में जो हमारी न्यू इक्वेशन बन के आई, 65 कैश रह गया, 40,000 आपका स्टॉक है, 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, 20,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं और 83,000 की आपकी कैपिटल है। दोनों साइड्स का आप टोटल जाके चेक कर सकते हो। इधर भी आपका देखो 1,05,000 बन रहा है और इधर भी 83 प्लस 20 प्लस 2 इधर का भी टोटल आपका 1,05,000 बन रहा है। किसी भी न्यू इक्वेशन में जाके आप चेक कर, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम हमें ब्लैंक ब्लैंक सा दिख रहा है, सब में आप जीरो जीरो फिल कर दो यहाँ पर, क्योंकि आपका इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए, ऐसे बीच में कोई खाली खाली स्पेस नहीं नज़र आना चाहिए। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है।